दोस्तों आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों जो चीज़ें या जो बातें हम खुद से नहीं सीखते या जिन चीज़ों की आदत हम खुद से नहीं डालते उन्हें कभी कभी हमें परिस्थितियों और घटनाओं की वजह से डालना ही पड़ जाता है और ये आदतें हमारा नुकसान भी कर सकती हैं और फ़ायदा भी, बशर्ते ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाए। दोस्तों हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, अच्छा बुरा, फ़ायदा नुकसान, सफलता असफलता लगी ही रहती है। कभी कभी इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं और कभी कभी हमारी परिस्थितियां और आसपास में घटी घटनाएं या हमारे साथ घटी घटनाएं। अक्सर हम इंसानों का नेचर होता है कि जब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आज मैं अपने दम पे कामयाब हूँ, क्रेडिट खुद को देने लगते हैं। और वहीं जब नाकामयाब हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ सही नहीं थीं, माहौल ख़राब चल रहा था, हमारे साथ ये घटनाएं हो गई, वो घटनाएं हो गई। कहने का मतलब कामयाब हो गए तो क्रेडिट खुद को दे दिया और नाकाम हुए तो इल्ज़ाम परिस्थितियों और घटनाओं पर लगा दिया, एक्सक्यूज दिखा के पल्ला झाड़ दिया। ऐसा अक्सर निगेटिव सोच और कमज़ोर दिल वाले ज़्यादा करते हैं, मगर हिम्मती और पॉजिटिव सोच रखने वाले परिस्थितियों और घटनाओं का एक्सक्यूज नहीं देते, उन्हें फेस करते हैं और फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ आराम हो वहाँ काम हो ही नहीं सकता। भूख लगने पर ही हमें खाने का असली स्वाद मिलता है। हमें कामयाबी की असली खुशी, अपनी जीत का असली मज़ा तभी आता है जब हम विपरीत परिस्थितियों और घटनाओं को चीर कर अपनी मंजिल तक पहुँचे। दोस्तों परिस्थितियाँ और घटनाएँ हमारे रास्ते में बाधक ज़रूर होती हैं, हमें कुछ पल के लिए परेशान ज़रूर करती हैं, मगर सही मायने में देखा जाए तो ये हमारी परीक्षा लेती हैं, हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और हमें दृढ़ संकल्पी बनाती हैं। जिस तरह स्कूल का टीचर बच्चे को मारता है तो बच्चे को टीचर पर गुस्सा आता है, वो टीचर को बुरा समझता है, मगर ये तो टीचर ही जानता है कि वो बच्चे को किस लिए मार रहा है। जिस दिन बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगा कि टीचर उसे क्यों मार रहा है, उस दिन से टीचर उसे मारना छोड़ देगा, क्योंकि टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चा अब सही रास्ते पर आ रहा है। इसी तरह हमें हमारी परिस्थितियाँ भी बार बार मारेंगी और हमें जीवन भर कुछ ना कुछ सिखाती रहेंगी और परेशान करती रहेंगी। और जिस दिन या जब हम सीख जाएंगे तो परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल नहीं अनुकूल होने लगेंगी और हमें कामयाब बनाकर ही छोड़ेंगी। इसलिए परिस्थितियों को दोष मत लगाओ, उनसे सीखो, क्योंकि परिस्थितियाँ आपकी गुरु हैं, दुश्मन नहीं। इस चीज़ को, इस बात को आपको जीवन भर याद रखने की ज़रूरत है। हमें परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलना या खुद को मैनेज करना आना चाहिए। जिस तरह एक अमीर आदमी अपना पॉकेट खर्च अमीर होने की हैसियत से खर्च करता है और एक गरीब आदमी गरीब होने की हैसियत से पॉकेट खर्च करता है, ये दोनों भी अपना पॉकेट खर्च परिस्थिति के हिसाब से करते हैं।
जिस दिन इन दोनों की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, यानी गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाएगा, उस दिन इन दोनों का पॉकेट खर्च करने का तरीका भी बदल जाएगा। परिस्थितियां हमें नहीं, हम परिस्थितियों को बनाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, परिस्थितियां हमें नहीं, हम परिस्थितियों को बनाते हैं, मगर हम इसे महसूस नहीं कर पाते, इस पर नज़र नहीं रख पाते, और इसी वजह से देखते ही देखते परिस्थितियां हमें जकड़ लेती हैं और हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां खराब हैं या हमारी किस्मत खराब है। जिस दिन हम अपने और परिस्थितियों के बीच तालमेल बिठाना सीख जाएंगे, परिस्थितियों को समझना सीख जाएंगे, उस दिन से हमें कोई एक्सक्यूज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों के बीच फंसकर छटपटाते रहते हैं, उन्हें सही करने या बदलने की कोशिश कभी नहीं करते। नतीजतन हमारी ज़िंदगी मुसीबतों और हालातों का शिकार बनती चली जाती है। इसलिए दोस्तों, बुरी परिस्थितियों में फंसने और घिरने की बजाय समझदारी इसी में है कि समझदारी और शांति से इसे सुलझाओ और अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा दिखाओ और जीवन का आनंद लो। तो दोस्तों, उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और मैं अपनी बात को आप तक अच्छे से पहुँचा पाया हूँ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो से अगर आप मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और अगर आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया पर ये पहला विजिट है या आप हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी और भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर किसी भाई को फिल्म संबंधी जानकारी चाहिए, जैसे सिंगिंग, राइटिंग और एक्टिंग से रिलेटेड, तो आप हमें उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके उन सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई ग्रुप जो कॉमेडी वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर की ज़रूरत हो जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख सके, तो वो भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते चलते आपको साजन का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।